मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजा दिग्विजय सिंह एवं रानी साहिबा की नर्मदा परिक्रमा यात्रा में पधारे सभी भक्तजनों का कुटला कला से अभिषेक ठाकरे अंकित ठाकरे की ओर से जोरदार स्वागत अभिनंदन। नरसुल्लागंज शासकीय नवीन माध्यमिक स्कूल बना अय्याशी का अड्डा। सनसनी जब फैल गई जब स्कूल के अंदर लड़की के कपड़े व अन्य सामग्री स्कूल में मिलने के बाद स्कूल के प्राचार्य पीएम रेठारी से पूछा गया तो उन्होंने इस मामले की जांच कराने की बात कही क्योंकि वे इससे अनजान हैं। एक शासकीय स्कूल पर फिर उठा सवाल, जो स्कूल पैक है फिर भी उसमें इस प्रकार की गतिविधि कैसे हुई। आज की आवाज न्यूज ने खोली पोल। संवाददाता संतोष मीणा की खास रिपोर्ट। ये थोड़ा हट जाना आगे भाई साहब, थोड़ा सा बोल हो गया। आज 27 हाँ का बीआरसी वाले इसमें नहीं ले, उसमें कुछ कॉन्डोम और कपड़े मिले मेरे जानकारी में है नहीं। और यदि किसी ने ऐसा सामग्री फेंकी है, प्रायः गांव लोगों के द्वारा गंदगी फेंक दी जाती है, और यदि ऐसा है तो मैं अभी तत्काल कार्रवाई करता हूं और FIR करवाता हूं। और सर वहां क्या है कि अभी दीवार टूटी, इससे ये खुलासा हो, ग्रामीणों का कहना कि ये मतलब रोज कूदा कूदी होती है लोगों की। नहीं, वो दीवार किसी ट्रैक्टर वाले ने तोड़ दी है ऐसा सुनने में आया है, उसकी FIR की जाएगी। हाँ लाइट जला दो बना नीचे माइक। सर आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर PN पेठारी, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय नसरुल्लागंज। सर अभी नसरुल्लागंज के एक प्राइमरी स्कूल के कमरे में कॉन्डोम और लड़कियों के कपड़े मिले हैं, तो इस संबंध में मेरे संज्ञान में बात अभी आप ही ने बताई है, मैं कल उसकी जो है जांच करवाता हूँ, जो उचित कार्रवाई होगी अनुशासनात्मक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वो प्रस्तावित की जाएगी। क्योंकि लोगों का कहना है कि उस कमरे तक जाने के लिए स्कूल के मेन गेट से जाना पड़ता है और चारों ओर से बाउंड्री वाले, तो क्या जिसके पास जवाबदारी उस पर भी कार्रवाई होगी? अब देखना पड़े वस्तु स्थिति क्या है, उसके बाद में आपको सही जवाब दे पाऊंगा। मैं खुद कल जो है जांच करूंगा, है ना।